हेलो फ्रेंड्स, पानी में निमंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया और 95 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब कंपनी का रिकॉर्ड डेट आने वाला है, नज़दीक है, तो उसी के बारे में बात करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो मार्केट कंडीशन देखते हुए लीजिए। तो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए थे, तो इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। और ये कंपनी है VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3350 के ऊपर क्लोजिंग थी आज। इसका 52 वीक लो 2487 का है और हाई 3870। तो काफ़ी अच्छा मीन्स, अगर लॉन्ग टर्म का भी अगर लास्ट 3 to 4 ईयर्स का नज़रिया देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस स्टॉक ने किया है। लगभग ये स्टॉक चलता था 1500 के करीब और आज 3000 के ऊपर है। लगभग आपका 100% का यहाँ पे जो है रिटर्न आपको दिया है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे छोटी है, 5169 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, लेकिन 950% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि काफ़ी बेहद अच्छा है। और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में अच्छे नतीजे आए हैं। 316 करोड़ का टोटल इनकम रहा और मार्च में 283, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है और लास्ट क्वार्टर में 53 का, जो कि काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। और इस स्टॉक को यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट अगर अच्छा चलता है 3600 के करीब इजीली जो है आपको देखने को ये स्टॉक मिल सकता है। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है NSE के साइट पे जाएंगे जहाँ पे रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या है वो हम जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लेटर BSE की साइट से निकाला है। ये मई में डिक्लेयर किया था, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो 95 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 10 रुपये के फेस वैल्यू के ऊपर 950% होता है। तो NSE के ऊपर जाते हैं ताकि रिकॉर्ड डेट के बारे में आपको भी पता चले। तो ये आप देख सकते हैं NSE की साइट खोली है, उसके अंदर आपको VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालना है तो ईजिली ये फटाफट आ जाएगा। और इसका अगर आप देखेंगे इसका 95 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मिलेगा आपको डिविडेंड। एक्स डेट है 19 अगस्त 2019, तो 19 अगस्त से पहले आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल होना है। तो मौका अभी भी आपके पास है। और बुक क्लोजर डेट इसका 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक है, तो किसी भी दिन जो है रिकॉर्ड डेट हो सकता है। नॉर्मली 21 तारीख भी होता है, 23 तारीख भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 28 तारीख तक अगर आप होल्ड करते हैं, उसके बाद भले आप बेच दें तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं डिविडेंड के लिए। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके कब रिकॉर्ड डेट है। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो मेरे हिसाब से फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए। 10 शेयर्स भी हैं तो इजीली जो है 950 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे, जो भी डीमैट अकाउंट से लिंक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इजीली ऑनलाइन ज़ीरोधा में खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर केयर वाले आपको हेल्प करते हैं ओपन करने में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। प्लस ओपन होने के बाद आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हम सारी डिटेल्स, रिसर्च रिपोर्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिसका आप इजीली फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।